आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि ग्लोबल क्यूज ये इंडिकेट कर रहे हैं, एसडीएक्स निफ्टी को देखकर ये लग रहा है। और कल का जो रुझान रहा, जो हमने 9350 के लेवल को रेस्पेक्ट दी, उसके बाद इस तरह की इंडिकेशन मिल रही है कि ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अभी 40 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, नेगेटिव बायस दिखा रहा है। लेकिन आज के सेशन में आपको नजर रखनी डिफेंस स्टॉक्स पर, ये पूरा पॉकेट मजबूत हो सकता है। अर्निंग्स वाले शेयर्स पर आपको ध्यान देना है। आज तीन इंडेक्स की कंपनियों के नंबर्स आएंगे जिनमें सिप्ला है, IOC है, बॉश है, अशोक लेलैंड के नंबर्स भी रिलीज होंगे तो उन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अर्निंग इंपैक्ट के लिहाज से अदानी समूह पर आप ध्यान दें, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। जो पांच स्टॉक्स हमने आपको बताए आज ओपनिंग से पहले, वो स्टॉक्स पर भी आप फोकस करें क्योंकि वो शेयर्स मजबूत आज खुल सकते हैं। रुपए की शुरुआत हुई है एक और अच्छा संकेत आज की ओपनिंग से पहले, क्योंकि रुपए की यहाँ पर मजबूत ओपनिंग हुई है। 19 पैसे की मजबूती के साथ 64.54 पर रुपया ओपन हुआ है। लेकिन आज के सेशन में अदानी एंटरप्राइजेस पहला स्टॉक है जहाँ पर तेजी तय है। इसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं टलब्रोस ऑटो पर, SP अपेरल्स पर, जैन एरिगेशन पर। इन सभी कंपनियों के जो अर्निंग्स है वो अच्छे आए हैं जिसका इम्पैक्ट दिख सकता है स्टॉक प्राइसेस पर। देखिए जो शेयर जी बिजनेस ने आपको बताए थे ओपनिंग से पहले, वहां सभी शेयरों में इंडिकेटिव एक्शन में एक पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है। जैन एरिगेशन 3.5% ऊपर, टेलब्रस ऑटो 1.5% ऊपर है, SP अपेरल 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ एक टर्न अराउंड हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस वहाँ भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है और स्टॉक 5% ऊपर 119 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स पर भी आप ध्यान दें, नंबर्स तो मार्केट आज के दौरान ही आ गए थे लेकिन ये स्टॉक भी मजबूत हो सकता है। एक एपटेक आपको बताया था, ये भी मजबूती के साथ खुल सकता है, इंडिकेटिव एक्शन में 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है।